यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम की जवाबी कार्रवाई, रूसी हमले को नाकाम करने की कोशिश, ओडेसा से आई यूक्रेनी काउंटर अटैक की तस्वीर। तो जैसा हम बता रहे थे कि क्योंकि लगातार अब प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की सेना को कमांड दे रहे हैं और हर मोर्चे पर कह रहे हैं कि अपनी मजबूती दिखाए, तैनात रहे, के बाद एक पलटवार किया जा रहा है। हमारे साथ आशीष खन्ना डिफेंस एक्सपर्ट भी जुड़े हुए। खन्ना सर, आपको क्या लगता है, ये जो 50 देश कह रहे हैं जिसमें अमेरिका और नेटो भी शामिल है, कि भले रूस प्रस्ताव को तो खारिज उसने कर दिया लेकिन हमारी आवाज नहीं दबा पाएगा, क्या वाकई में ये 50 देश जो अपनी बेचारगी लाचारगी दिखा रहे इतने लाचार है कि रशिया का मुकाबला नहीं कर सकते, रशिया के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते? 27 के 27 नेटो के देश, अमेरिका और स्पेशली अमेरिका, जो अफगानिस्तान में जो डिजास्टर हुआ है, जहां वो अपने हथियार अपने हेलीकॉप्टर्स छोड़ के वापस रिट्रीट कर गई, उसने अपना मॉरल अथॉरिटी और अपनी मिलिट्री पावर को छोड़ दिया है। ये सिर्फ डिप्लोमेटिक और सैंक्शंस की बात कर पाएंगे आज की डेट में, और मैं वंदना जी से इस पे सहमत नहीं हूँ। ये कई हद तक ये गलती अमेरिका की भी है कि अफगानिस्तान से विड्रॉ करने के बाद रशिया के अगेंस्ट यूक्रेन ने भी और रशिया अमेरिका ने भी कई ऐसी स्टेटमेंट्स दी जो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स थी, और ये पिछले 2-3 महीने में ही हुआ है। तो ये जो बिल्डअप था, ये एक तरीके से पहले यूक्रेन को चढ़ाया गया ऊपर कि आप नेटो में आइए, आप अपोज करिए, आप लड़ाई करिए, और उसके बाद अब उनको अबैंडन किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है कि आखिर अमेरिका ने क्या यूक्रेन के साथ सही किया, अमेरिका ने जो भरोसा दिया था क्या उस पर खरा उतरा अमेरिका, और इसको लेकर बड़े अमेरिका पर सवाल भी उठ रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।